गुड मॉर्निंग क्लास, अब रिकॉर्डेड लेक्चर समूह के शुरू हो रहे हैं। टुडे रेड वाला ब्लिंक कर रहा है ना, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अकाउंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा अकाउंटिंग की थी और उसमें हम लोगों ने समझने का प्रयत्न किया था कि अकाउंट के ट्रांजेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर कोई ट्रांजेक्शन आता है तो उसको एनालाइज करना, एनालाइज करने के बाद चैनलाइज करना और उसकी पोस्टिंग करना यानी कि एंट्री करना, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। पहले तो अकाउंट क्या है वो सारी चीजें आप नए स्टूडेंट हैं तो आप उनसे हेल्प ले लेंगे या आपको काफी मदद कर देंगे और फिर आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन से कुछ चर्चा करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, हम लोग ट्रांजेक्शन लेते हैं। ट्रांजेक्शन है आपके पास, क्वेश्चन की ट्रांजेक्शन, जो क्वेश्चन आपको नहीं बने होंगे या बने होंगे बताइए। कोई क्वेश्चन ऐसा बताइए, बोलिए ट्रांजेक्शन। देखिए आप लोग ध्यान देखिए, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, अकाउंट अकाउंट टैली टैली ईआरपी 9 अकाउंट टैली ईआरपी जारी। बताइए, ये बोलिए क्वेश्चन। बुक ऑफ अकाउंट किसका है? तारा इंटरप्राइज, वेरी गुड। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोली बुक, हाँ क्वेश्चन बोली ट्रांजेक्शन जुलाई एटीन। मिस्टर कन्हाई आपको वॉइस क्लियर और बोर्ड पे जो लिख रहा है दिख रहा है? जुलाई एटीन, थोड़ा सा जूम कर दीजिए। जुलाई 18 परचेज गुड फ्रॉम मोहन, फ्रॉम मोहन को कॉपी निकाल के रखिए मिस्टर कनाए ताकि आप उसको प्रैक्टिकली कर पाएंगे। कॉपी निकाल लीजिए ताकि आप कुछ भी करना है, खाली सुनना नहीं है। जुलाई 18 परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन और रुपीज 1 लाख और रुपीज 1 लाख इन पर कैश देन एंड एंड डिस्काउंट एंड डिस्काउंट ऑफ रुपीज 5,000 वाज रिसीव्ड मिस्टर कन्हाई चेहरा नहीं देखिए, आवाज तो मिल रहा है ना, तो क्वेश्चन क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्वेश्चन सर, हाँ क्वेश्चन लिखिए जल्दी यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जुलाई 18 परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर रुपीज 1 लाख पर कैश एंड डिस्काउंट ऑफ रुपीज 5,000 वाज। तो आपके व्यावहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में, जब आप किसी दुकान में, एजेंसी में कहीं जाते हैं तो ट्रांजेक्शन ऐसा ही होता है ना, तो आप उसे हाउ यू कैन पोस्ट गई, कैसे आप उसकी पोस्टिंग कर सकते। महत्वपूर्ण तो ये बात कि अगर आप पोस्ट करना चाहते हैं यानी पोस्टिंग करना चाहते हैं तो प्रथमतः और नियमतः आपको पहले उस अकाउंट के ट्रांजेक्शन को समझना, कैसे पोस्टिंग देखिए। स्टेप 1 उज्जवल कुमार राइट डाउन, एक क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं। स्टेप 1 identify the name of, can I write down, identify the name of account.
अकाउंट्स को पहचानिए, समझिए कि कैसे क्या है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ अकाउंट। तो इस ट्रांजैक्शन में अकाउंट आखिर है कितने कितने, आप कौन कौन अकाउंट है, कौन बताएंगे, बताइए सर। दो अकाउंट ऑफ परचेज अकाउंट पहला, अच्छा कैश अकाउंट दूसरा, परचेज अकाउंट कैश अकाउंट है सर। आप पहले जाके अपने मुंह को कहीं से धो लीजिए, या तो पढ़ लीजिए, क्लास कर लीजिए, या ब्रश कर लीजिए, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। हाँ आप बोलिए, आप बोलिए, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, मोहन अकाउंट और उज्जवल कुमार, अगर आपको अभी क्लास चल रहा है, लाइव क्लास चल रहा है, आई विल नॉट टॉक रहते हैं, परचेज अकाउंट ठीक है, मोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट कार्ड डिस्काउंट रिसिप्ट। क्लास के समय आप कैसा भी कॉल हो आप मैसेज कर दीजिए और टाइम पे रहिए, डिस्काउंट ऑफकोर्स। देखिए आपको छात्र बनना है कि नेता बनना है कि अभिनेता बनना है, इसका निर्णय आप कर ले। उज्जवल कुमार जैसे अभी जो लाइव क्लास में ऐड है वो ना नेता है ना अभिनेता है, कौन सा नेता है वो अपने आप को समझना, तो आप उस कैटेगरी में नहीं जाइए। जैसे अभी मिस्टर कनाई सिंह क्लास के समय बर्फ कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। उज्जवल कुमार जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, और ज्यादा फोन आता है तो क्लास छोड़ दीजिए, पहले फोन अटेंड कर लीजिए। यह जो कर रहे हैं ये चीज है, जितना आसान है उतना आप समझते हैं, उतना आसान नहीं है। 3 साल से उनका क्लास है, अभी तक इनको अकाउंट्स नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, कौन वही अभिनेता कन्हाई सिंह। तो क्या आप ऐसा नहीं बनिएगा, उदाहरण के लिए आपको कन्हाई सिंह का उदाहरण दे दिए, कन्हाई कुमार है, तो आप इस चीज पर मत कीजिए उज्जवल कुमार, आप नए स्टूडेंट हैं, आप चीजों को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या है आप क्वेश्चन पढ़िए उज्जवल कुमार, क्वेश्चन क्या है जोर से बोलिए। जुलाई 18 एंड डिस्काउंट, वेरी गुड। तो स्टेप वन में हम लोगों ने हियर वी हैव आइडेंटिफाइड स्टेप वन परचेज अकाउंट, सेकेंड मोहन अकाउंट अर्थात डिस्काउंट। अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए तो नेचर भी तो आइडेंटिफाई करना होगा, यस या नो। ओ स्टेप टू क्या करेंगे आप बोलिए, मैं आई एम लिसनिंग योर वॉइस प्रॉपर्ली। सर एक्चुअली बात यह है कि हमको ये चीज समझना है ठीक है, कि जब सर उसने क्या कहा जाता है क्रेडिट में सामान लिया ही नहीं, तो उसका नाम क्यों लिखा है सर। अभी पहला अकाउंट का कुछ रूल होता है, जैसे नेता बनने का कुछ नियम होता है ना, या अभिनेता या बिजनेस, तो इसी अकाउंट की एंट्री करने का भी कुछ नियम, उसका नियम 3 चरणों में उसको वर्गीकरण किया गया है। प्रथम चरण यानी फर्स्ट स्टेप यह है आपका आइडेंटिफाई द नेम ऑफ अकाउंट्स होता है, कि जो भी ट्रांजेक्शन मिले पहले आप अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए। मिस्टर कन्हाई क्लियर है। दूसरी चीज कि आप अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके नेचर को आइडेंटिफाई कीजिए ठीक है। फिर नेचर आइडेंटिफाई कर लिए तब सबसे अंतत्व गतवा और अंत में हम लोग क्रेडिट और डेबिट को आइडेंटिफाई, क्लियर है मिस्टर कन्हाई। ऐसा नहीं है कि बिना अकाउंट का नाम जाने, बिना अकाउंट का नेचर जाने और डायरेक्ट एंट्री कर देंगे। अब आप कुर्ता पायजामा पहन लीजिएगा और घूमिएगा रोड पे, आपको 2 मिनट के लिए तो सब कह रहा है कि नेता है,
लेकिन ऐसा है या नहीं उसका निर्णय तो किसी पार्टी से निर्भर करेगा ना। तो हर चीज का एक नियम होता है, हर चीज का एक रूल होता है, ठीक है। अब म्यूट कर लीजिए और ध्यान दीजिएगा। तो आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट। अब देखिए इस अकाउंट का नेचर क्या होगा, परचेज अकाउंट का नेचर क्या होगा बिट्टू कुमार? परचेज अकाउंट का नेचर, रुक जाइए पूछ लेते हैं, सबसे पूछेंगे उस अब नेता से भी पूछ लें, बिजनेसमैन, फिर नेक्स्ट है मोहन अकाउंट, और अपने आप को समझते हैं बिजनेसमैन, लेकिन बिजनेसमैन का भी कुछ रूल होता है, नियम होता है, मोहन अकाउंट, और थर्ड डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। उज्ज्वल कुमार आप जो है सुगवा की तरह ऐसे ऐसे करके क्या देख रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया? आया कि खाली सुगवा की तरह बैठ गए ऐसे ऐसे गौर कर रहे हैं कि क्या है? यह क्वेश्चन है, ऊपर क्या है क्वेश्चन है, एक ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन में पहला स्टेप क्या होगा, प्रथम चरण क्या होंगे, नाम पहचानेंगे। आप कहीं पे जाइएगा तो पहला काम क्या होगा, आपका नाम ना पूछा जाता है, तो क्या है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ अकाउंट। उज्ज्वल कुमार तो इसमें ये क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, यह ट्रांजेक्शन कुछ भी हो सकता है, वह फिक्स नहीं होता है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो पहले क्या पर निकालेंगे, आप नेम निकालेंगे, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ इस ट्रांजेक्शन में क्या क्या पता चला, July 18 परचेज गुड, हु इज परचेजिंग, सामान कौन खरीद रहा है बोलो ना, आप उनके साथ जो करें फर्स्ट वे है। देखिए अगर आप अपने आप को विद्यार्थी और छात्र समझेंगे तो आप सीख जाइएगा, ठीक है ना, तो आप बिट्टू कुमार के साथ थोड़ा टाइम दीजिए, ये आपको बता देंगे, और नहीं तो अभी देख ही रहे हैं लाइव क्लास में बहुत सारे ऐड हैं जो अपने आप को विद्यार्थी नहीं बिजनेसमैन समझते हैं, इसलिए उनको समझ में बहुत आता ही नहीं, तो आप वो गलती नहीं कीजिएगा बिट्टू कुमार, उज्ज्वल कुमार आप नए स्टूडेंट। तो क्या हुआ आइडेंटिफाई द नेम ऑफ अकाउंट, तो पहला अकाउंट क्या आइडेंटिफाई किया, कैसे July 18 परचेज गुड फ्रॉम मोहन, हु इज परचेजिंग, सामान कौन खरीद रहा है, सारा इंटरप्राइज, क्या खरीद रहा है, व्हाट परचेजिंग, गुड परचेजिंग, हाउ मच, कितने का बोलो ना, कितने का, 1,00,000 रुपया का, किससे, फ्रॉम हुम, मोहन से, कैश में कि क्रेडिट में, कैश में, तो July 18 परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर रुपीज 1,00,000 फॉर कैश। तो हमारे पास दो गो अकाउंट निकल गया, एक परचेज, एक खरीदने वाला, और किससे खरीदा गया उसका नाम आ गया, कोई दिक्कत, तो दो अकाउंट आ गए, परचेज अकाउंट और मोहन अकाउंट। अब प्रश्न है एंड डिस्काउंट ऑफ ₹5,000 वाज रिसीव, रुकिए जरा नेता छात्र से पूछ लेते हैं, कन्हाई सिंह से, कन्हाई सिंह यहाँ पे डिस्काउंट ऑफ ₹5,000 वाज रिसीव, ये क्या है, ये किसमें जाएगा, मिस्टर कन्हाई चेहरा देखने से काम नहीं चलेगा, बताइए क्या होगा, एंड डिस्काउंट ऑफ ₹5,000 वाज रिसीव, कन्हाई बोल क्यों नहीं रहे हैं, जल्दी बोलिए क्या होगा, एंड डिस्काउंट ऑफ ₹5,000 वाज रिसीव, कौन रिसीव कर रहा है, हु इज रिसीविंग, कनेक्ट है कि डिस्कनेक्ट, बोल क्यों नहीं रहा है, कन्हाई बोलो ना क्या है, एंड डिस्काउंट ऑफ ₹5,000 वाज रिसीव, क्या होगा, हेलो ऑन है माइक सिस्टम, कन्हाई आर यू लिसनिंग, क्वेश्चन पूछ रहा है तो म्यूट क्यों किया जाता है, ऐसे खूब बोलने के लिए, एंड डिस्काउंट ऑफ ₹5,000 वाज रिसीव, हु इज रिसीविंग, कौन रिसीव कर रहा है, ये ₹5,000 रिसीव कौन कर रहा है, तारा इंटरप्राइजेज या मोहन, कौन,
बोलो ना कन्हाई, कौन रिसीव कर रहा है डिस्काउंट ऑफ 5,000? आप बताइए कौन रिसीव कर रहा है। देखिए फर्स्ट में यही ट्रांजेक्शन को समझ कि कन्हाई को समझ ही नहीं है। जुलाई 18 परचेज सामान तो खरीदा, तो हम पूछ रहे हैं डिस्काउंट रिसीव 5,000 कौन जा रहा है इसमें, कौन रिसीव कर रहा है ये पूछ रहे हैं। आर यू नॉट रिसीव प्रॉपरली? कौन नाम होगा ना उसका, कुछ क्या नाम है? क्वेश्चन सर ब्लर दिख रहा है, आवाज आपको धुंधला नहीं दिख रहा है? आवाज तो पूरा फ्लेयर पूरा क्लियरली दिख रहा होगा। हम बोले थे ना कि क्वेश्चन लिख लीजिएगा, व्हाई यू आर नॉट राइटिंग द क्वेश्चन? क्वेश्चन को दिखा दीजिए, क्वेश्चन को नहीं लिखिएगा तो ऐसे रहेगा। जब बोल रहे थे व्हाइट तो क्लियर मिल रहा होगा ना, बोर्ड नहीं मिल रहा होगा, हमको समझ सकते हैं कि आप नेता आदमी है, आपको बड़ा आपको बड़ा बड़ा चीज दिखना चाहिए, तो अलग विषय था। आवाज तो मेरी क्लियर मिल रही थी ना, तो आवाज को मैंने आपको कहा था ना कि कॉपी पे नोट कर लीजिए, तब नहीं नोट किए तो आप समझ चलिए नेता आदमी के चक्कर में टाइम बर्बाद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एंड डिस्काउंट ऑफ 5,000 वाज यह 5,000 रुपया जो है जुलाई 18 को जो सामान खरीदा गया है किससे, मोहन से, कितना का खरीदा गया है? अमर 1,00,000। खरीदने वाला कौन? सारा एंटरप्राइजेस। बेचने वाला कौन? मोहन। और वो जो 1,00,000 रुपया उसने कैश जो दिया ना नगद, तब मोहन ने क्या किया उसको 5,000 रुपया डिस्काउंट किसको दिया? सारा एंटरप्राइजेस। समझ में आइए यह अकाउंट है, अकाउंट बहुत समझ का विषय है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, उन्हें ध्यान से समझिएगा। ठीक हो गया। अब स्टेप थर्ड, अब स्टेप थर्ड में क्या होगा इस सबका नेचर का बता दीजिए। फर्स्ट हम लोगों ने कल आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट कर ही लिए, तो अब इस सबको लिख लेते हैं। अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अप्लाई द रूल ऑफ Apply the rule of step third. Apply उज्ज्वल लिस्ट कलर क्यों नहीं रहा है, तो आपको सब मिटा दिए, लिख लिए हैं step two। Step two लिखित जल्दी से, जब कह रहे हैं जब आपको कहेंगे तब आप ऐसे भोज में जाने के लिए बिना कह रहे मिठाई खाने के लिए कुछ जाते हैं। अप्लाई द जल्दी लिखो उज्जवल कुमार, जल्दी जल्दी लिखिए। अप्लाई द रूल ऑफ, अप्लाई द रूल ऑफ मिस्टर कन्हाई, फिल्म का शूटिंग नहीं चल रहा है, कॉपी कलम पे आवाज नहीं रहा है, लिख कलम अगर क्वेश्चन लिखिए सुन रहे हैं, कॉपी नहीं है, कॉपी कलम आई है यहाँ पर, हम खरीद कर दे देंगे। अप्लाई द रूल ऑफ क्रेडिट, अप्लाई द रूल ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट। अब क्या अप्लाई करेंगे? क्रेडिट एंड डेबिट। तो अप्लाई कब करेंगे? जब पहले इंक्रीज या डिक्रीज का पता करेंगे। अगर हम लोगों ने इफ वी डू नॉट फाइंड इंक्रीज और डिक्रीज फॉर द पार्टिकुलर अकाउंट, म्यूट कीजिए निश्चय कराए म्यूट करो, तो क्या है जब तक उसको हम लोग चेक नहीं करेंगे, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक क्रेडिट और डेबिट पता कर सकते हैं क्या? नहीं। अब बताइए परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? रुकिए कन्हाई से पूछते हैं, मिस्टर कन्हाई, यस सर, व्हाट इज गोइंग ऑन विद परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट के साथ क्या हो रहा है सर? क्वेश्चन एक बार रिपीट करवा दीजिए। क्वेश्चन हम 25 बार आपको कहे थे ना कि कॉपी में लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं लिखे हैं आप सर? क्वेश्चन लिखते तो सर बता जरूर देते। हाँ तो आप बहुत अच्छे, जब मैंने उस समय से बोल रहा हूँ कि यू मस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन क्यों नहीं सेंड कर दीजिए? तो समझ विद्यार्थी है सर। हाँ हम समझ सकते हैं,
आपकी स्थितियों से मैं अवगत हूँ। नेता आदमी को बहुत दुविधा होती है हर चीज को नोट करने में, लेकिन अप्लाई द रूल ऑफ तो क्या करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज अभी आपका स्क्रीन शॉट चला जाता है चेक करने। सो हियर हम लोग देखेंगे हाउ वी कैन अप्लाई द रूल ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट, कैसे अप्लाई करें इन चीजों को समझिए। तो पहले क्या करते हैं, इसको उज्ज्वल लिख लिया सर, तो बोलो ना ये लिख लिया बता, अप्लाई द रूल ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज अकाउंट चूंकि रिसीव करने वाला कौन, सारा एंटरप्राइजेस, जो बुक ऑफ अकाउंट कौन, सारा एंटरप्राइज, तो उसके लिए तो सामान आया है ना, तो सामान क्या हो गया, बढ़ गया, तो बढ़ गया यानी इंक्रीज हुआ। सो हियर देयर इंक्रीज इन एसेट क्या होता है मिस्टर कन्हाई, तो बोलो ना फॉर्मूला बता देना क्या बोल रहे, इंक्रीज इन एसेट कन्हाई, इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, आज उसको सामने नहीं रहा ना, बहुत पिटाई करेंगे। इंक्रीज इन इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, आवाज मिल रहा है ना, इंक्रीज इन एसेट क्या है, इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट हो जाएगा सर, क्रेडिट होगा। आज तुम क्या कपड़ा उपड़ा पहनने आना है, आज हम जो है सब जो बहुत बढ़िया जो है खान सर का वो रहता है, तो पुलिस सब रखता है ना छड़ी चीज वाला, उसी से लगना जरूरी है, इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट होता है, ऐसा पिता करेंगे इंक्रीज इन एसेट डेबिट होगा, सदा कहेंगे डेबिट ना होता है इंक्रीज इन एसेट। और देखिए यहाँ पे डेबिट आप उम्मीद कर लीजिए, आप नेता आदमी है, नेता आदमी से बात में कोई नहीं जीत सकता, नेता जो है नेता होता है। अब यहाँ पर फिलहाल देख लीजिए, अब मोहन अकाउंट क्या होगा बताइए आप बिट्टू, मोहन अकाउंट क्या होगा, मोहन क्या हो रहा है, पहले मोहन है क्या, मोहन है क्या, कुछ विचार करने योग्य प्रश्न है, मोहन है क्या। अब देखिए जरा सही अब अंडरस्टैंडिंग कीजिए, 18 जुलाई सामान खरीदा, किसने खरीदा, सारा ने, किससे खरीदा, मोहन से खरीदा, तो मोहन से खरीदा तो मोहन को पैसा नहीं दिया क्या, तो मोहन को पैसा दिया कि नहीं दिया, सामान आप तभी ना खरीद सकते हैं जब पैसा दीजिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तो कह रहा है कि क्या, यानी मोहन क्या किया, तो यहाँ पे मोहन अकाउंट भी क्या रहता है, एसेट है, और लेकिन यह एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट, डी सी लिख दिए इन एसेट, इफ आप एक्सपेंस कैटेगराइज कब कर सकते हैं, सामान खरीदे पैसा दिए तो सामान लिए ना, खर्च का डिफिनेशन क्या हो सकता है, जैसे आपने मोबाइल लिया, आप सामान खरीदे हैं तो हो सकता है जैसे दुकानदार, दुकानदार जो सामान खरीदता है दवाई, तो दवाई अपना घर में रखने के लिए थोड़ी खरीदता है, दवाई खरीदता ही इसीलिए है उसको बेचे और पैसा कमा, यही ना है। देखिए नेचर को आइडेंटिफाई करना तो वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर को समझना बहुत जरूरी, अगर यहाँ अपितु अगर हम ध्यान देंगे कि सामान खरीद, बिजनेसमैन है कौन, सारा एंटरप्राइज वो कर रहा है, तो सामान खरीद रहा है तो कहीं ना कहीं बेचने के लिए खरीदता होगा, मान लीजिए वो होल सेलर दुकानदार है जिसका नाम है उज्ज्वल मेडिकल स्टोर, तो उज्ज्वल मेडिकल स्टोर है तो उज्ज्वल सामान घर में रखने के लिए सामान खरीदा है, दवाई स्टॉक में लाता है या बेचने के लिए, तो उस समय सामान स्टॉक म्यूट कर रहा है कि नहीं, डिस्टर्बेंस हो रहा है, म्यूट करो, तो क्या है जो सामान आप खरीदना, सामान मतलब स्टॉक, स्टॉक जो आप खरीदे
तो पैसा दीजिएगा होलसेलर को या जहां से आपका स्टॉक आ रहा है, तभी ना आप दुकान, मान लीजिए आप रिटेलर है, आप क्या है रिटेलर है, रिटेलर मतलब खुदरा विक्रेता जो बेचने वाला, और होलसेलर मान थोक विक्रेता, ठीक है ना, थोक मतलब और थूक ना समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो जो थोक विक्रेता है होलसेलर वो तमाम है, और आपको रिटेलर आप हैं, आप गए कि हमको 10,000 का दवाई चाहिए, 50,000 का चाहिए, तो आप क्या करते हैं कार्टून में जाते हैं हम पैसा दीजिएगा, या हो सकता है आपका लेन देन चल रहा हो तो ऐसा तो है, वो अलग विषय है, कुछ पैसा कम देंगे आगे देंगे पीछे देंगे वो अलग सकता है, लेकिन पैसा तो देना पड़ेगा ना आपको, होलसेलर फ्री में दे देगा क्या दवाई का कार्टून आपको, कैसे दे देगा। तो वही बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, इसने क्लियरली कर दिया कि वह 1,00,000 रुपया कैश में दिया गया, यानी कि ये नहीं कहा गया कि 50,000 अभी दिया गया 10,000 बाद में, या 5,000 भी दिया गया 5,000 बाद में, समझ में आया आपको। तो क्या हुआ 1,00,000 रुपया उसको कैश में दिया गया, तो पैसा आपका क्या गया डिक्रीज गया, यस या नो, यस या नो, तो बताइए गया कि नहीं गया। तो यहाँ पे समझने का प्रश्न ये रहा कि हमारे पास मोहन अकाउंट क्या हो गया ऐसे, और किस तरह का एसेट हुआ सीए करेंट एसेट, यस या नो। अब आता है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, हु इज रिसीविंग, सारा इंटरप्राइजेस। तो सारा इंटरप्राइजेस नगद में पैसा दिया, तो दुकानदार जो होता है अगर हम नगद में लेते हैं तो कुछ छूट दे देता है ना, कुछ डिस्काउंट दे देता है, हाँ। तो क्या हुआ वो डिस्काउंट जो मिला किसको मिला, तारा को मिला, तो उसके लिए इनकम हुआ कि नहीं हुआ, 500 रुपया बचे, 500 रुपीज बच जाए या 50 रुपया बचे, उसके लिए 50 रुपया भी आमदनी होता है और 500 रुपया भी आमदनी है, 5,00,000 भी आमदनी है। इनकम का डिफिनेशन यही होता है जो भी चीज आपको इनकम मिला उसका अमाउंट फिक्स नहीं है कि कितना हो रहा, लेकिन यहाँ पे क्लियरली है कि डिस्काउंट उसको कितना मिला 5,000 का, किसको मिला तारा को, तारा के लिए क्या हो जाएगा इनकम, तो इनकम क्या होगा इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज हो जाएगा आपको। तो हियर मिस्टर तन्हाई देखो इधर डिस्काउंट रिसीव क्या होगा इनकम हो जाएगा, तन्हाई बोलता क्यों नहीं, डिस्काउंट रिसीव क्या होगा इनकम, और इनकम क्या हो जाएगा इंक्रीज। इसको जो है खान सर वाला जो पुलिस का जो डंटा होता है वही रखना होगा इसको पूछने में, हाँ। द डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्या हो गया आपका इनकम हो गया, द इनकम क्या हो गया इंक्रीज हो गया, हाँ इनकम अगर हाँ, अब इनकम क्या हो गया आपका इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन इनकम क्या होता है, लेकिन वो कनेक्ट है कि नहीं बोल नहीं रहा है माइक बंद किए हुए, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट। इसको जो नहीं देखते हैं आजकल जो पुलिस को मिलता है स्ट्रिक वाला पाइप वाला जुम्मन उसी से इसको पिटना जरूरी है, तब नेता साहब को जब तक पिटाई नहीं लगता आगे नहीं लगता, अब बन जाएगा जब अब देखिए ना कैसे हो जाता है अपने आप हो जाएगा था, अभी हम तुरंत ना करते हैं, पहले इसको नोट कर ले, नोट कर लीजिए लिखो बापा, हाँ लिखे इसको जल्दी से, वो जो है वो तो नोट करने के बदला आप जो है मतलब यहाँ सिनेमा हॉल में आए गाँव में आए लेक्चर दे रहे हैं आराम से सुना, नोट कीजिए जल्दी। और राइट नाउ वी आर कैपेबल टू पोस्ट द एंट्री इनटू जर्नल अकाउंट, जर्नल अकाउंट में पोस्ट करने के लिए अब हम लोग सक्षम है, कब और किस परिस्थिति में कैसे किया जाएगा, ठीक है। ऊपर का मिटा दे उज्ज्वल, ऊपर वाला मिटा देते हैं। तो जर्नल अकाउंट का फॉर्मेट पहले से आप लोग अवगत होंगे और परिचित भी होंगे, जर्नल
जर्नल अकाउंट आज सब आज देखिए टुडे आज फर्स्ट डे आज इसको बस 2% समझ में आएगा हमको पता जो अलग से सेपरेट कॉपी पे नोट करके वो करवाया जाएगा तब जाके क्लियर होगा। आप देखिए अकाउंट है ना समझ का भी अंडरस्टैंडिंग का है पहले जब तक किसी थोड़ा डेवलप नहीं होगा उसके लिए पहले कुछ ट्राई नहीं ध्यान दीजिए जर्नल अकाउंट एंड देन पारा इंटरप्राइज और उज्ज्वल को आप उज्ज्वल सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट लेकिन ये जब पढ़ता ही नहीं है काले वो बड़का चाहे वो मोबाइल लिए हुए है क्या करते रहता है मोबाइल से डेट डेट मोबाइल से है अब इसका साइज अपना छोटा है लेकिन मोबाइल का साइज बड़ा बड़ा मोबाइल लिए हुए बड़ा जॉब करता है अब लेकिन कभी नहीं करते हैं डेट पार्टिकुलर्स बताते जाइएगा क्वेश्चन क्या है जरा बोलिएगा क्वेश्चन बिट्टू क्वेश्चन बोलिएगा हमको ध्यान में नहीं है क्वेश्चन डेट पार्टिकुलर एल एस ठीक है डेबिट कितना जुलाई को था 18 साल कौन सा ईयर कौन सा ये सूट गया कि कनाई से कनाई ध्यान दे दो सर 2000 ध्यान दे दो 2016 हाँ 18 जुलाई ये बीकम एमकम का बच्चा है आपका भी हाल है बिजनेस में उतर गया है हाँ बोलिए तो क्या पहला क्या जाएगा पर्चे लिखा क्योंकि डेबिट में गया है क्या लिखेंगे पर्चे परचेज अकाउंट ये किसमें गया डेबिट में क्योंकि ऊपर कौन को लिखते हैं जो डेबिट में रहता है डेबिट में कितना रुपया जाएगा 1,00,000 रुपया टोटल हाउ मच 1,00,000 सामान की टोटल कीमत कितनी है कॉस्टिंग कितना जा रहा है 1,00,000 गाय संग्रह 1,010,000 1,00,000 अब जो है यहाँ पे अब आ जाएंगे टू कौन सा टू मोहन मोहन अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कनाई कनाई समझ में आ रहा है कि नहीं डिस्काउंट डिस्काउंट रिसीव टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट तो देखिए डिस्काउंट रिसीव कितना रुपया मिला उसको 5,000 रुपया तो 5,000 किसमें चला जाएगा क्रेडिट में क्योंकि इंक्रीज इन इनकम 5,000 ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा है मोहन टू मोहन मोहन अकाउंट मोहन कितना रुपया दिया बताइए क्लास मोहन कितना दे रहा है तो वो हम जो है ना पैर पैर नीचे पूछ रहे हैं अगर 1,00,000 में से 5,000 रुपया माइनस नहीं होगा तो 95,000 रुपया होगा ना 95,000 तो हेयर टू मोहन अकाउंट 95,000 समझ में आया यानी कि इतना जो है 95,000 सो हियर वी कैन से हाउ बिकॉज तारा इंटरप्राइजेज हैव रिसीव्ड तारा इंटरप्राइजेज ने प्राप्त किया सामान का कीमत टोटल कितना 1,00,000 रुपया 1,00,000 रुपया में डिस्काउंट कितना मिला डिस्काउंट लेने वाला कौन तारा डिस्काउंट देने वाला कौन मोहन तो 5,000 रुपया माइनस नहीं होगा तो कैश दिया कितना मोहन को 95,000 रुपया तो 95,000 रुपया लिख दिए
और यहाँ पे सम ऑफ द डेबिट सर वीडियो नहीं सम ऑफ द डेबिट इज इक्वल टू सम ऑफ द क्रेडिट ये 1,00,000 रुपीज आएगा मिस्टर कनाई आई विल टॉक टू लेटर बिकॉज दिस इज रिकॉर्डिंग लेक्चर ओके सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब एंड लिसन वेरी वेरी प्रॉपर सो हियर एंड वी कैन से इन अ क्रेडिट दैट विल ऑल्सो इंक्लूड 1,00,000 Yes, yeah, no? तो क्या यहाँ पे तर्क संगत रूप से कह सकते हैं कि नहीं इस तथ्यों के आधार पे कि सम ऑफ द क्रेडिट इज इक्वल टू सम ऑफ द डेबिट है कह सकते हैं ना उज्ज्वल बोल तो नहीं रहा सम ऑफ द डेबिट इज इक्वल टू सम ऑफ द क्रेडिट हो गया ना बराबर याद रखिएगा जनरल अकाउंट में दोनों का एंट्री चाहना चाहिए हमेशा बराबर क्लियर है कोई दिक्कत तो अब प्रश्न हम यहीं पे छोड़ेंगे आज के लिए लेक्चर क्योंकि नेक्स्ट बैच के टाइम हो चुके हैं और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दिए गए हैं मिस्टर उज्जवल यू शुड कंसल्ट बिट्टू बिट्टू से आप कंसल्ट कर लीजिएगा बिट्टू ही विल गाइड यू और ये आपको बतलाएंगे कि कैसे पोस्टिंग करना है हाउ यू कैन पोस्ट द एंट्री हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द अकाउंट How you can channelize the entry, each and everything. सारे चीज बताएंगे ओके सो क्लास थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच अब खुद